धनबाद समाहरणालय सभागार में डीसी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसएसपी एचपी जनार्दनन, सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, सीआईएसएफ डीआईजी आनंद सक्सेना, सभी एरिया बीसीसीएल जीएम, सभी अंचल सीओ उपस्थित रहे। बैठक के दौरान डीसी एवं एसएसपी ने खनिज संपदाओं के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के रोकथाम व कोयले के अवैध खनन में संलिप्त लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिशा निर्देश दिए। डीसी माधवी मिश्रा ने खनन टास्क फोर्स की बैठक में संबंधित सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जितने भी चिन्हित हॉट स्पॉट हैं उन सभी स्थानों पर लगातार छापेमारी करें, साथ ही कार्रवाई करते हुए एफआईआर और डोजरिंग अवश्य सुनिश्चित करें। जिला द्वारा बनाई गई ज्वाइंट टीम को और तत्परता के साथ कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। ऐसे अवैध खाद्यान्न को डोजरिंग कर ध्वस्त किया जाए। सभी अंचल के सीओ सूचना मिलने पर उन इलाकों में पुलिस के साथ जाकर छापेमारी करें, साथ ही सड़कों पर भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हो रहे अवैध कार्य की छापेमारी कर कार्रवाई करें। कार्रवाई करने के बाद इसकी रिपोर्ट अवश्य बनाएं और कार्रवाई से संबंधित जानकारियां जैसे एफआईआर, गिरफ्तारी, डोजरिंग, सीजर आदि अवश्य दें। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारी को लगातार जांच कर कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक में हम लोगों ने जितने स्टेक होल्डर्स हैं सभी को डायरेक्शन दिया है कि इसमें आप अपनी तरफ से त्वरित कार्रवाई करें। सीओ और सभी थाना से डायरेक्शन दिया गया है उनको कि अपने तरफ से हर महीने की एक स्ट्रॉन्ग एक्शन टेकन रिपोर्ट हम लोग को भेजें। बीसीसीएल से हम लोगों ने उनको डायरेक्शन दिया है कि जो भी उन्होंने हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं उसमें डोजरिंग की कार्रवाई समय समय पर करते रहें। ऐसा देखने में आता है कि डोजरिंग करने के बाद फिर वो डोजरिंग खुल जाती है, तो वहाँ पर भी कार्रवाई करें। हाई मास्क लाइट लगाएँ, सीसीटीवीज लगाएँ और एरिया फेंसिंग करने को लेकर के भी हम लोग अब इनिशिएट करने वाले हैं। तो हम लोग को उम्मीद है कि आज की जो बैठक की कार्रवाई है इसका हम लोग को असर आगे आने वाले महीने में दिखाई पड़ेगा। देखिए, अगर मैटर हम लोग के संज्ञान में आ रहा है तो हम लोग इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट को भी हमेशा बोल रहे हैं कि वो अपनी तरफ से इसमें कार्रवाई करें और जहाँ पर भी अगर ऐसे कोई अवैध खनन या अवैध ट्रांसपोर्टेशन की सूचना है तो हम लोग उसमें हमेशा अपनी तरफ से कार्रवाई करें। इसके लिए हम लोगों ने सीनियर एसपी को पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि एक डेजिग्नेटेड फोर्स उनके लिए देने के लिए, और उन लोगों ने अपनी तरफ से फोर्स दिया भी है और उम्मीद है कि उसके आलोक में यू नो अच्छी कार्रवाई आगे देखने को मिलेगी। उनको अपना जो एरिया कवरेज है वो बढ़ाने के लिए डायरेक्शन दिया है। उनको ये बोला है कि आप अपना जो कैमरा वगैरह है उसका एरिया बढ़ाइए और जहाँ पर भी उनको डोजरिंग करनी है वो अपना एरिया चिन्हित करें। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट हैं डोजरिंग के लिए तो वहाँ पर भी डोजरिंग करें। साथ ही साथ एरिया फेंसिंग एक है जिसके लिए हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया है। पोटेंशियली खनन टास्क फोर्स का जो मेन उद्देश्य है जो हमारी मल्टीपल एजेंसीज उसका कोऑर्डिनेशन और स्मूथ हो जाए और कोऑपरेशन स्मूथ हो जाए। सो कुछ चीज़ें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मैडम ने बताया उस पर हम लोग ने पॉइंट नोट किया है। कोशिश यही रहेगी कि बीसीसीएल प्रबंधन और सीआईएसएफ की तरफ से जो हमारा इनपुट है फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ इलीगल माइनिंग एरियाज, क्योंकि आपको खुद ही पता होगा कि डीजीपी साहब ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया और सीएम साहब ने भी कि इलीगल माइनिंग इज़ अ प्रॉब्लम हमारी स्टेट के लिए और हमें उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। तो क्या होता है कि इलीगल माइनिंग की डोजरिंग, उसकी क्वालिटी डोजरिंग, ऐसे एरियाज जहाँ पे आप अप्रोच या एक्सेस नहीं कर सकते, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करके पुलिस, सीआईएसएफ और ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे को जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बीसीसीएल से प्रदान होता है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि ऑन ए मंथली बेसिस हम अपने टारगेट फिगर्स को इम्प्रूव करें। फैक्ट इज़ कि अभी तक हम में से बहुत सारे लोग इलेक्शन में भी बिजी थे, एनर्जी उसमें लगी हुई थी। सो होपफुली अब चूँकि हम लोग फिर से फोकस्ड हो गए हैं, हमारी मैन पावर भी अब वापस आ गई है, सो आने वाले दिनों में हम इसको बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूज़न हम कर रहे हैं। सो हमारी उम्मीद है कि इन्फ्यूज़न ऑफ दैट टेक्नोलॉजी और वो हमको पूरा बैकअप और हेल्प डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से मिलेगा तो हमारा जो टारगेट है वो हम उसको बेटर अचीव नहीं कर सकता। अभी नया हूँ बट हमारा एम यही है कि मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मिक्स ऑफ मैन पावर से हम अपने टारगेट्स को बेटर अचीव करें।